आज की जो वीडियो है वो इंश्योरेंस के बारे में है। आपके पास कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, सेक्शंस अप्लाई होंगे, तो सेक्शन 45 और सेक्शन 41। अब मैं सेक्शन 41 की बात करूंगी, ये भी हर लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट होता है। आप अपनी पॉलिसी पढ़ेंगे, वहां पे सेक्शन 45 भी मिलेगा, 41 भी मिलेगा। 41 ये कहता है कि कोई भी पर्सन, कोई भी आदमी, एजेंट या इवन कस्टमर, जैसे आप कस्टमर, आप पॉलिसी खरीदना चाहते हैं और जो एजेंट आपको बेच रहा है या कंपनी का एम्प्लॉई जो आपको पॉलिसी दे रहा है, तो इस केस में कोई भी एक दूसरे को कोई रिबेट ऑफर नहीं कर सकता पॉलिसी खरीदने के लिए। किसी रिस्क को छिपाने के लिए कस्टमर कोई लालच एजेंट को नहीं दे सकता, कोई पैसा पे नहीं कर सकता, प्रीमियम में कोई डिस्काउंट आप ऑफर नहीं कर सकते अपार्ट फ्रॉम जो डिस्काउंट कंपनी ऑफर कर रही है डायरेक्टली। बट एज एन एजेंट आप अपना कमीशन कस्टमर के साथ शेयर नहीं कर सकते, कस्टमर को भी किसी कमीशन की या किसी डिस्काउंट की डिमांड नहीं करनी चाहिए एजेंट से या जहां से भी वो पॉलिसी खरीद रहा है। तो ये बोलता है कि जहां पे भी आप किसी रिस्क को छिपाने के लिए या आप किसी पॉलिसी को खरीदने के लिए डिस्काउंट की डिमांड करते हैं या एजेंट आपको कुछ कमीशन ऑफर करता है ताकि आप पॉलिसी खरीद ले, और पॉलिसी खरीदने के अलावा अगर रिन्यूअल के टाइम में भी ऐसा किया जाता है, मीन्स अगर एज अ कस्टमर फॉर एन एग्जाम्पल आप रेडी नहीं है अपनी पॉलिसी को रिन्यू कराने के लिए और एजेंट आपको कमीशन ऑफर करता है या कुछ पैसे ऑफर करता है, तो वो भी एक क्राइम माना जाएगा। या प्रीमियम में कुछ डिस्काउंट देता है जो कि कंपनी की तरफ से नहीं आए हैं, वो पर्सनल बेसिस पे ऐसे कोई डिसीजन लेता है, या आप एज अ कस्टमर अपनी पॉलिसी को रिन्यू कराने के लिए जिसको शायद से कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर रही है आप कुछ रिबेट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, पैसे देते हैं, कोई भी ब्राइब के फॉर्म में या कमीशन के फॉर्म में कुछ भी ऐसा आप एक तरह का लालच देते हैं कंपनी एम्प्लॉय को या एजेंट को, तो इन दोनों की साइड से, एजेंट की साइड से, कंपनी एम्प्लॉयज की साइड से और किसी भी थर्ड पार्टी की साइड से, जैसे कि ऑनलाइन वेबसाइट्स भी हैं या फिर कस्टमर की साइड से, सब से सेक्शन 41 का पार्ट है, तो किसी की साइड से भी रिस्क को एक्सेप्ट करने के लिए, पॉलिसी से रिलेटेड जो खतरा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए कुछ भी ऐसा लालच, ब्राइब, डिस्काउंट, रिबेट दिया जाता है या डिमांड की जाती है, तो ये सेक्शन 41 का पार्ट है और ये क्राइम माना जाएगा। इसमें जो भी पर्सन लायबल होगा इस सेक्शन के अंडर, जिसकी भी जिम्मेदारी बनेगी या जिस पे भी आरोप होंगे कि उन्होंने सेक्शन 41 का वॉयलेशन किया है, उन पे 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ये सेक्शन भी 2015 में ही अमेंड किया गया है, चेंज किया गया है, बट ये अपडेटेड डिटेल्स हैं। सो मैंने इस वीडियो में सेक्शन, आई होप ये आपके लिए यूजफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको लगता है कि आपको और नई वीडियोस चाहिए, ये सब्सक्राइब बटन के क्लिक करने के बाद आप बेल आइकन नीचे देखेंगे उस पर भी क्लिक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, बिकॉज आई एम श्योर कि जब आप पैसे कमाना स्टार्ट कर देते हो उसी टाइम से आप या विद इन 3 to 5 years आप कोई ना कोई इंश्योरेंस जरूर बाय कर लेते हो, खरीद लेते हो, या आपके पेरेंट्स आपके लिए इंश्योरेंस खरीद लेते हैं, तो उस केस में जरूरी है कि ये सारी डिटेल्स आपको पता हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, गुड डे, बाय।